2021 पिछले साल ही भारत ने रिकॉर्ड 660 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। ये अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है इंडिया का। अगर आप कंपेयर करें 2020 से तो 2020 में हमने 499 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, यानी 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जंप दिखा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इंडिया के लिए। लेकिन इसके साथ ही हमने इम्पोर्ट में भी रिकॉर्ड बनाया। 2021 में भारत का इम्पोर्ट 725 बिलियन डॉलर को टच कर गया। वहीं 2020 में हमने 509 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था, जहां पे एक्सपोर्ट में हमने 150 बिलियन डॉलर का जंप देखा 2020 के कंपैरिजन में। वहीं इंपोर्ट में ये 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। अगर मैं सीधा कहूं तो हमने 65 बिलियन डॉलर तक का नुकसान सहा है। ये हमारा घाटा है। इसमें हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं क्रूड ऑयल पे। चलो ये बात तो समझ में आती है, ये हमारे पास नहीं है। बट जो दूसरा आइटम है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, और इसमें हमारा इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है। चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। चाइना के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस चीज़ पर दिखती है हमारी नाकामी। बट एक ऐसी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए हम 18 से 20 बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा करते हैं हर साल, जिसके ऊपर शायद लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता, और ये चीज़ है वेजिटेबल ऑयल। बट तेलंगाना की सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे इंडिया हर साल 20 बिलियन डॉलर सेव करेगा। जी हाँ, 20 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये बड़ी रकम है जिसको हर साल हम खर्चा करते हैं वेजिटेबल ऑयल को इंपोर्ट करने में। और ये सब पॉसिबल होगा कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की मदद से। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कालेश्वरम प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदे होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये कैसे तेलंगाना की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा। इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तेलंगाना एक राज्य है जो कभी पार्ट हुआ करता था आंध्र प्रदेश का। यहाँ से दो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, पहली है गोदावरी और दूसरी है प्रणहिता। अब दिक्कत इस बात की थी, ये नदियाँ तेलंगाना के नॉर्थ बॉर्डर की ओर बहती हैं और तेलंगाना में जो खेती होती है वो ज़्यादातर साउथ में ही की जाती है। तो इस नदी का जो फायदा है उसको तेलंगाना के लोग नहीं उठा पा रहे थे, ना ही ड्रिंकिंग पर्पस से, ना ही किसानी और इंडस्ट्री के पर्पस से। तो तेलंगाना की सरकार ने एक आइडिया प्रपोज किया, दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करना, जिससे तेलंगाना के लाखों किसानों तक पानी को पहुंचाया जाए, साथ में ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री के लिए भी पानी का यूज होगा, बेसिकली मल्टीपर्पस। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट 12 से 15 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट किया गया, लेकिन समय के साथ इसका बजट बढ़ता गया। आज बताया जा रहा है इसका बजट 16 से 18 बिलियन डॉलर को पार कर रहा है। 2019 को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीएम शामिल होते हैं। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 240 टीएमसी की है, जिसमें से 169 टीएमसी वाटर इरिगेशन के लिए एलोकेटेड है, 30 टीएमसी हैदराबाद म्यूनसिपल वाटर के लिए, 16 टीएमसी इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब समझते हैं इसके फायदे के बारे में। सिंपली कोई भी बोल सकता है इसका फायदा किसानों को होगा, इससे हैदराबाद को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट के फायदे अभी जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा होते हैं जो समय के साथ दिखते हैं। आपने शायद सुना होगा जो वेजिटेबल ऑयल है अचानक से उसके प्राइस में उछाल आया था। वो इसलिए क्योंकि इंडिया ज़्यादातर कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से। मार्च के मंथ में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों मिलके 80 से 90% कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में खाने के तेल की शॉर्टेज हो गई थी। इंडोनेशिया ने जो बैन लगाया था इसके पीछे एक रीज़न था। इसका रीज़न ये था कि इंडोनेशिया में खाने के तेल की शॉर्टेज होने लगी थी, जिसकी वजह से प्राइस में उछाल आया और प्रोडक्शन में भी कमी आई थी, तो प्राइस को कम करने के लिए यह बैन लगाया गया था। इसमें इंडोनेशिया की भी गलती नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो, वो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेगा। यहाँ पर इंडोनेशिया ने भी यही किया। मेनली हमारा इम्पोर्ट इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से होता है एडिबल ऑयल का, जिसको इंपोर्ट करने के लिए हम हर साल 18 से 20 बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा करते हैं। एक्सपोर्ट बैन से इंडिया को एक सीख मिली, और वो सीख थी आत्मनिर्भर होने का। जो पाम ऑयल होता है वो एक फल से बनाया जाता है, जिसको पाम फ्रूट बोलते हैं।
पाम ट्री मेनली वहीं पे ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। एक ऑयल पाम ट्री के लिए 265 लीटर पानी की ज़रूरत होती है रोज। इंडिया में अगर आज के टाइम कोई राज्य है जो इस पानी की डिमांड को पूरा कर सकता है तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने 4 साल का टारगेट रखा है 2 मिलियन एकड़ में ऑयल पाम का कल्टीवेशन। इसके लिए तेलंगाना के किसान पाम ट्री के प्लांटेशन में लग गए हैं। प्लांटेशन की प्रक्रिया में तेलंगाना के किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन है तेलंगाना सरकार से सब्सिडी और इससे होने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट। तेलंगाना में ऑलरेडी बहुत से लोग पाम ऑयल से लाखों रुपये कमा रहे हैं। जिन्होंने इसकी खेती शुरू की है वो लोग पर एकड़ 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं जो लोग धान की या फिर आप बोल सकते हैं चावल की खेती करते हैं वो लोग पर एकड़ सिर्फ 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं। तो इसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा किसान अब इस प्लांट को ग्रो करने में लगे हैं। तेलंगाना की सरकार ने जो टारगेट सेट किया है पाम ट्री के लिए उससे आने वाले दिनों में सिर्फ तेलंगाना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा पाम ऑयल का। जब ऐसा होगा तो भारत के ट्रेड डेफिसिट में भारी गिरावट आने वाली है। इंडिया इससे 18 से 20 बिलियन डॉलर सेव करने वाला है। इंडिया आज के टाइम 2/3 वेजिटेबल ऑयल की डिमांड इंपोर्ट से पूरा करता है। लगभग 14 मिलियन टन का कुकिंग ऑयल हर साल इंपोर्ट होता है। 14 में से 8.5 मिलियन टन सिर्फ पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है। तेलंगाना सरकार का कहना है 4 साल के अंदर प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 7 से 8 साल बाद तेलंगाना 4 मिलियन टन के पाम ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये सब ना हो पाता अगर तेलंगाना के पास कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जैसी सुविधा ना होती। इस ऑयल पाम के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। शायद यह काम और कोई दूसरा राज्य न कर पाए। अभी के टाइम इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और तेलंगाना एक राज्य वो इन देशों से इस पाम ऑयल के लिए बीज इंपोर्ट कर रहा है। इससे देखना तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम में जंप देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट वरदान है तेलंगाना के लिए। इस तरह के प्रोजेक्ट से कई राज्य सूखे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब आंध्र प्रदेश भी ऐसे ही एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम नाम से मल्टीपर्पस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है जिसको 4 साल के अंडर कंप्लीट कर लिया जाएगा। हमने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बनाने में 15 से 18 बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा किया और इसी प्रोजेक्ट के चलते हर साल 18 से 20 बिलियन डॉलर की सेविंग करेंगे। लेकिन इसका एक और फायदा है जो हमारी लाइफ से जुड़ा है, वो है फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 40% इंडियन के पास पीने का पानी नहीं होगा 2030 तक। ये न्यूज़ डराने वाली है। इसके ऊपर कहीं पे कुछ खबर नहीं दिखती जबकि ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए था। सोच के देखिए 40% बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। इसके रिगार्डिंग सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार क्या सोच रही है, किसी को कुछ नहीं पता। आखिर इतनी बड़ी न्यूज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। 2030 कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। इंडिया दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर होल्ड करता है, वहीं दुनिया की 16% आबादी इंडिया में रहती है। नीति आयोग ने कहा है अर्जेंट हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा और इसके लिए हमें कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी। कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट से हम बहुत से फ्रेश वाटर स्टोर कर सकते हैं जो नदियों के थ्रू समुन्द्र में चले जाते हैं हर साल। मेरा मानना है इस तरह के प्रोजेक्ट हर राज्य में होने चाहिए। अगर हम इस तरह से लोगों के पास पानी पहुंचाएंगे तो इससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत से इंडियन पीने के लिए, खेती के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। अगर आज के टाइम हमने वाटर पे कंट्रोल नहीं पाया तो शायद फ्यूचर में इसके बुरे नतीजे हमें भुगतने होंगे। इस मामले में तेलंगाना तो फ्यूचर रेडी है और कुछ सालों बाद आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। अब दूसरे राज्यों को भी सोचना चाहिए। कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट हमने इंडिया में पहली बार बनाया है और जब भी आप कुछ बड़ा करते हैं पहली बार तो ये अज्यूम करना कि सब कुछ परफेक्ट ही होगा बहुत बड़ी भूल है। ठीक ऐसा कालेश्वरम के साथ भी है। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट मिलेगी जहां पे कहा गया है कि प्रोजेक्ट को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया। इसी साल मानसून में इसका जो पंप हाउस है वो पानी के अंदर डूब गया था। दूसरी बड़ी समस्या है इस प्रोजेक्ट के लिए पावर की डिमांड। इस प्रोजेक्ट में 20 बड़े बड़े मेगा पंप बनाए गए हैं। जब इसका पहला पंप खोला गया तो इसका एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 20 करोड़ रुपये,
सिर्फ एक पंप का। अगर सारे पंप 24 घंटे चलाए जाए तो हर साल 10,000 करोड़ रुपए का बिल आएगा। ये अच्छा खासा अमाउंट है। इस बात ने तो तेलंगाना सरकार को भी चिंता में डाल दिया होगा। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। आगे जब भी हम फ्यूचर में ऐसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसके लिए परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस एग्जाम्पल होगा कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ताकि हम और ज्यादा इनोवेटिव तरीके से सारी समस्याओं से डील कर पाए। आलोचना अपनी जगह है, वो होना भी चाहिए, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।